आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा EWS कैटेगरी के बारे में। EWS कैटेगरी जो है, आपको कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आप उनके अंदर आते हो तो आप इस कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकते हो। और इसके अंदर आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिशन के अंदर थोड़ा सा आपको पुश कर सकता है, थोड़ा सा इन्ग्रेडियंट के रूप में आपके लिए काम कर सकता है। कई सारी NITs जो है वो 1.2-1.3 लाख के अंदर भी आपको इस रैंक पे भी आपको NITs, IIITs वगैरह मिल जा रही होती है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अदरवाइज जनरल वालों के लिए 90,000 तक चीज़ें क्लोज हो जाती है। यही चीज़ आपको 30,000-40,000 रैंक का बेनिफिट आपको इस कैटेगरी के अंदर मिलता है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसे स्पेशल केसेस हो जाते हैं जब 2 लाख रैंक तक भी ये चीज़ें पुश हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है तो इसका बेनिफिट आपको जरूर से उठाना चाहिए। इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि अगर आप फुलफिल करते हो तो इस कैटेगरी का बेनिफिट आप उठा सकते हो। सबसे पहली चीज़ रहती है कि आपकी जो एनुअल इनकम है, आपके फैमिली की एनुअल इनकम। अभी आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, पूरे फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम अगर आपकी रहती है तो आप इस कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकते हो। ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो है, जहाँ पे खेती वगैरह होती है, वो टोटल लैंड आपकी 2 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर आपकी ये चीज़ भी है तो थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। आप जनरल होने चाहिए, कोई भी दूसरी रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से अगर आप होने चाहिए। चौथी चीज़ है आपकी जो टोटल रेसिडेंशियल प्लॉट है, यहाँ यानी कि जहाँ आप रहते हो, जो आपका घर है, वो आपका 1,000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए तो आप EWS कैटेगरी के लिए फाइनली आप एलिजिबल हो, आपको फ़ायदा मिल सकता है इसका। अब आपको फायदा जो मिलेगा उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर आप ब्लॉक लेवल पे भी एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहला आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बताएगा कि आपकी इनकम 8 लाख से कम है। दूसरी चीज आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बताएगा कि आप इस न इस जगह पर रहते हो, और वहां जाके जो ऑफिसर्स हैं वो विजिट करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका लैंड, आपका जमीन कितना बड़ा है, आपको इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर आप ब्लॉक लेवल पे तहसील में जाके आप इस चीज को अप्लाई करोगे। सर्कल ऑफिसर होते हैं, CO, वो इस चीज को करते हैं और वो आपका ये सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। अमूमन 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, 15 दिन जो निश्चित समय है वो आपका लगता है। आप कहीं ना कहीं अगर आपके स्टेट का ऑनलाइन पोर्टल है तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है टाइम, कहीं ना कहीं 15 दिन के अंदर हर एक स्टेट में आपको ये चीज़ें सर्टिफिकेट वगैरह मिलके तैयार हो जाती है, बन जाती है। आपको जेई मेंस के लिए अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको कैटेगरी के अंदर EWS सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि आपको मार्च के बाद का, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर नए 2023 का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो अभी अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदे में नहीं रहेगा, आपको काउंसलिंग के टाइम दोबारा बनवाना पड़ जाएगा। तो आपका फायदा इसी में है कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है फिलहाल में, तो आप 2023 में मार्च के बाद बनवाएंगे। अभी के लिए आपको करना यह है कि आप जेई मेंस का अप्लाई करते टाइम आप EWS तो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप जो है वहां पे अंडरटेकिंग लगाएंगे। अंडरटेकिंग आप अगर FAQ देखोगे, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप FAQs देखोगे, और वहां पे आपको फाइनली नीचे आपको सर्टिफिकेट वगैरह का ऑप्शन दिखेगा और वहां पे आप सर्टिफिकेट उसको आप डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे, भरोगे उसको कि हाँ मैं इस तारीख से पहले सर्टिफिकेट आपको जमा कर दूंगा। उस चीज़ फॉर्म को भर के आप उसका फोटो खींच के अपलोड कर दोगे, वो आपका अंडरटेकिंग हो जाएगा। एक तरीके का रहता है कि हाँ मैंने जो है EWS हूँ, एक्चुअली मैं क्लेम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं बाद में बनवा के इसको जमा कर दूंगा, इस तरीके का कुछ रहता है। लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपको ये प्रेजेंट करना ही रहता है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो ऐसा नहीं है आपका कैंसिल हो जाएगा, आप जनरल में ट्रीट करे जाओगे, जनरल में। तो फायदा है कि अगर आप बनवा सकते हो बाद में, तो अभी आप EWS
सेलेक्ट करके रख लो, क्योंकि बाद में नुकसान आपका तो नहीं होने वाला है, आप फाइनली जनरल में ही ट्रीट करे जाओगे, ऐसे भी आपको करना था, ये चीज़ रहती है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को कर लें और सर्टिफिकेट बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे, सर्टिफिकेट ईजिली आपका बन जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक्चुअली मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के मैंने रखा है कि NITs आपको 1.2 लाख 1.3 लाख पे आपकी क्लोज हुई है EWS कैटेगरी वालों के लिए, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस के लिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं NITs है, ये चीज़ें भी रहती है। CSE भी आपको 50,000 के आसपास यानी कि 94-95% के आसपास CSE भी आपको मिल जाती है अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अगर मैं दूसरी चीज़ें बताऊँ, आप अपने स्टेट के अंदर अगर काउंसलिंग करते हो, बहुत लोगों को अभी स्टेट की काउंसलिंग पता नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे। अपने स्टेट के अंदर टॉप कॉलेजेस आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। साथ ही साथ फीमेल को तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हो जाता है EWS के साथ में, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास भी ब्रांचेस मिल जाती है NITs के अंदर अगर आपको EWS कैटेगरी आपके पास है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से बनवा लें, अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आपको क्लेम करनी चाहिए, हमारे हाथ में अगर है तो हमें दोनों हाथों से उसको समेटना चाहिए। इसी क्रम में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।